पब्लिक टीवी आपकी आवाज है, उनको देख करके बहुत मन दुखी होता है। ठीक, अच्छा, नगर निगम के जो प्रशासन है वहाँ पर बार बार शिकायत करने पर भी जब कोई निस्तारण नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। जबकि हम अधिवक्ता, लॉ इन्फोर्समेंट हमारा वर्क है, हम वो देखते हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम जनता तो त्रस्त है, बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। तो वो बदलाव की एक चिंगारी है जो हम जला रहे हैं। नगर निगम के द्वारा जो पिछले कार्यकाल में जो किया गया है, जो इन्होंने सफाई कर्मचारियों की जो छटनी करी है, उससे बहुत अव्यवस्था फैल गई है। ठीक, मैं इस संबंध में ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम 10 दिन के अंदर 50,000 सफाई कर्मियों को इसमें लगाएंगे और हमारी ये रहेगी कि हम डायरेक्ट उनको लें, बिचौलियों का कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक, अच्छा, जब मेहनत करने का सही मेहनताना मिलता है तो इंसान मेहनत से काम करता है। ठीक, साफ सफाई व्यवस्था बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। अच्छा, एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक कुप्रथा पहले से चली आ रही है, सर पर मैला ढोने की, हाथ से मैला उठाने की प्रथा, जिस पर प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट भी बना हुआ है कि ये काम नहीं कराया जाएगा, आपने भी खुद देखा होगा कि सड़कों पर JCB आपको दिखाई देती है कूड़ा उठाते हुए। आप अंदर की बात कीजिए, नालियों से हाथ से कूड़ा निकलवाया जाता है, फावड़े से निकलवाएंगे, उसको हाथ से उठवाया जाता है। हाथ से कूड़ा उठवाना कोई अच्छी बात है क्या? बहुत खराब बात है। समाज वहीं का वहीं अटक रखा है भाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, ठीक, तीनों एक ही लाइन में है, ट्रिपल इंजन सरकार कहा जाता है। क्या हुआ, क्या घोटाले, खूब घोटाले। ठीक, अच्छा, इसमें हमारी कार्य योजना ये है कि हम घरों से कूड़ा जो उठवाएंगे निःशुल्क उठवाएंगे, बिल्कुल फ्री और कंपलसरी कूड़ा कलेक्शन होगा। मीनिंग देयर बाई कि कूड़ा सड़क पे जाएगा ही नहीं, कूड़ा सड़क पे जाएगा नहीं, नाली में जाएगा नहीं, तो नाली से कूड़ा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक, तो जो आप पैसा नाली से कूड़ा निकलवाने में लगा रहे हो, वो आप पैसा यहाँ क्यों नहीं लगा देते भाई? वो कार्य हम करके दिखाएंगे, इनके पास विज़न नहीं है। तो क्या ये अपने उस काम को सही से नहीं कर पा रहे, ये भी तो कूड़ा उठवा रहे? इनके पास विज़न नहीं है भाई। अरे यार, जो काम हम कह रहे हैं, हम घर से फ्री में कूड़ा कलेक्शन करवाएंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा? घर से कूड़ा कलेक्शन होगा फ्री में, सीधे ट्रॉली में जाएगा, ट्रॉली से सीधे वो डंप हाउस में चला जाएगा। ठीक, बीच में कहीं गिरा, नहीं गिरा, नाली में फंसा, नहीं फंसा, जब नाली में फंसा नहीं कूड़ा तो नाली साफ करने की ज़रूरत क्या? ठीक, सीवर लाइन है, ड्रेनेज है, उनमें फंसा नहीं, तो अब फंसेगा तो आप उसको निकलवाने के लिए एक सिस्टम लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। अरे भाई साहब, वो पैसा आप यहाँ खर्च कर दो ना। ठीक, कूड़ा फैलेगा नहीं, बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो एक विज़न होना चाहिए। है विज़न? नहीं है। सिर्फ 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 इतना कि कैसे पैसा मिले, कहाँ से पैसा मिले, इसलिए योजनाएं डिले हो रही हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, कमीशन मिलने का कोई रास्ता खुले तो उसका आगे टेंडर हो जाए, इसका इंतजार होता है और कुछ नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।